नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, झांसी से। आजकल मेरे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत वरीड होते हैं रिगार्डिंग बेड रेस्ट एंड IVF। और कितने सारे तो ऐसा होता है कि एक महीने बाद पूछते हैं हम नहा सकते हैं, स्टाफ से पूछते हैं कि हम नहा सकते हैं, वो IVF के बाद हिले भी नहीं होते हैं। सो मैं ये मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ कि एक्चुअली इट इज़ ये जो हम लोग IVF में जब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं वो इतना माइक्रो उसमें होता है, माइक्रो ML में, कि बुक्स में लिखा होता है दैट यू कैन नॉट कफ योर एम्ब्रियोज आउट। मतलब ये नहीं है कि हमने डाला और आप कफ करोगे तो वो निकल जाएंगे, वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। यस, एट टाइम्स किसी किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक कभी ब्लीडिंग हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ऐसे करना पड़ता है कि हमें उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोलना पड़े। मैं आपको अब नेक्स्ट उसमें एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ। शी इज़ अ वर्किंग फीमेल और काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद उसने जब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराया फर्स्ट साइकिल में, शी कंटिन्यूड विद हर ड्यूटीज़। उसके बाद भी उसको हेल्दी फीमेल उसने शी गेव बर्थ टू अ हेल्दी फीमेल। तो प्लीज़ अब आप उसकी ज़ुबानी सुनिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, झांसी से। आपको कोई भी क्वारी हो प्लीज़ व्हाट्सअप मी ऑन 9235730222 या इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम आपको, मैं या कोई ना कोई स्टाफ, दे विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच, नमस्ते। शादी को कितने साल हुए? शादी को 6 साल हो गए थे। 6 साल में ट्रीटमेंट लिया था आपने? हाँ, मैंने कई जगह ट्रीटमेंट करवाया, झांसी में भी 2-3 जगह और कानपुर में भी। क्या बताया वहाँ? काफ़ी कुछ बताया, ये कमी, तो मैं परेशान हो गई थी, फिर डॉक्टर प्रीति मैम के पास आई। यहाँ क्या करिए? यहाँ मैडम की सलाह के बाद फिर IVF ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद पहली बार में ही मुझे बच्चा कंसीव हो गया और आज मेरी प्यार सी बेटी है, बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप वर्किंग हो? जी हाँ, मैं वर्किंग हूँ। तो आपको वर्किंग के संग कराने में कोई प्रॉब्लम एहसास हुआ कुछ? नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छे से, मैम ने मुझे डील किया और अच्छी तरह हमारा सब कुछ हो गया। और ड्यूटी भी रही आपकी? हाँ, मैंने ड्यूटी भी की, मतलब पूरा टाइम, प्रेगनेंसी टाइम मैंने पूरा ड्यूटी की, एकदम काम किया, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और आप बताइए, लड़की होने पे खुश है? वैसे भी लड़की होने पे फादर की बहुत तरक्की होती है। कोई हमारे ऐसे सुने ये कि बेटा नहीं होगा तो ऐसा है? नहीं, वैसे भी बेटी के लिए बहुत तरक्की दी जाती है। बिल्कुल। और कुछ कहना है हमारे लिए, स्टाफ के लिए, पेशेंट्स के लिए कुछ सलाह देनी है? जी बिल्कुल देनी है। जो भी इस चीज से परेशान है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्लीज एक बार आकर के लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल प्रीति मैम से आकर के मिले। बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छी हैं और आपको जरूर सफलता मिलेगी, आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।